जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों के साथ शानदार सियासी पारी। ममता से 36 का आंकड़ा, विधायक सांसद से राज्यपाल तक और फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी। जगदीप धनखड़, बदलते वक्त के साथ इस नाम ने खुद का हद लगातार बढ़ाया। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार धनखड़ का व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन तमाम दिलचस्प किस्सों से भरा है। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में जन्म हुआ। किठाना गांव में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की, उसके बाद बड़े भाई के साथ चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल भेज दिए गए। प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा खत्म करने के बाद जयपुर आ गए और यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी से साल 1979 तक बीएससी ऑनर्स और एलएलबी कंप्लीट किया और साल 1980 में राजस्थान हाई कोर्ट से वकालत की शुरुआत की। वकालत के साथ साथ उनका रुझान सामाजिक गतिविधियों और राजनीति की ओर भी था और सक्रिय तौर पर उनकी राजनीति की शुरुआत झुंझुनू से बतौर सांसद हुई। 1979 में उन्हें बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर लोकसभा की उम्मीदवारी का मौका मिला और जीत दर्ज कर संसद पहुंचने में कामयाब हुए और इसी दौरान उनकी झोली में केंद्र का मंत्री पद भी आ गया। तो धनखड़ 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार में भी केंद्रीय मंत्री बने। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 1993 में उन पर कांग्रेस ने किशनगढ़ विधानसभा से दांव आजमाया और विधायक बनने में कामयाब हुए। उसके बाद अजमेर जा पहुंचे, वहां कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार नसीब हुई, जिस दौरान राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत का प्रभाव बढ़ रहा था। उस दौरान धनखड़ वापस बीजेपी में आ गए और जल्द वसुंधरा राजे के हासम खास बन गए। उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने जाट बिरादरी को ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए जाट आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में धनखड़ की अहम भूमिका रही है, लिहाजा उनकी जाट वर्ग के बीच तगड़ी साख मानी जाती है। उसके बाद करीब एक दशक तक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से ब्रेक लिया और दोबारा वकालत पर फोकस किया। 30 जुलाई 2019 उनके सियासी करियर से जुड़ा अहम दिन माना जाता है जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की कमान संभाली और कहा जाए तो इस पद के दौरान उनकी गतिविधियों ने ही उन्हें सुर्खियों में ला दिया। जगदीप धनखड़ का विवादों से भी गहरा नाता है, एक के बाद एक उन्होंने तमाम कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। ममता बनर्जी से उनका 36 का आंकड़ा सुर्खियों में रहा। बंगाल में मां काली का विवाद हुआ तो गवर्नर धनखड़ ने तमाम साधु संतों को राजभवन बुलाया और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप जड़ दिया। जनवरी 2021 में ममता बनर्जी ने धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया, यह हवाला देकर कि वो उनसे परेशान हो गई थी। ममता बनर्जी ने धनखड़ पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर एक वीडियो वायरल हुआ था जब समारोह में ममता बनर्जी उनसे कुछ कहती नजर आई पर वो उन्हें इग्नोर कर आगे निकल गए। इस तरह के तमाम विवादों से एक के बाद एक उनका नाम जुड़ा। जिम्मा कोई भी हो लेकिन जगदीप धनखड़ खुद का हद लगातार बढ़ाते रहे, तभी तो इस नाम को हर पॉलिटिकल न्यूकमर प्रेरणा के तौर पर देखता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।